किसान भाइयों नमस्कार। मालवा फार्म में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो हम बना रहे हैं गुरविंदर डेयरी फार्म पे। सामने जो आप गायें देख पा रहे हो, ये गायें सेल के लिए अवेलेबल है। इनमें से कुछ और कुछ यहाँ से सेल हो चुकी है। पंजाब में मंडी डबवाली पिंड का फार्म है। टॉप की क्वालिटी होती है इनके पास और टॉप का ही काम करते हैं। जो गायें इनके पास है वो गायें हम आपको चलाकर दिखाएंगे, उनका रेट और दूध बताएंगे। अगर आपने गुरविंदर से गायें खरीदनी है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस नंबर पे कॉल करके HF क्वालिटी, जो कि एक दिन में 35 लीटर से लेकर 50 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है, वो गायें आपको काफ़ी वाजिब रेट पे अच्छी अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। तो आइए गुरविंदर भाई से बात करते हैं, वो आपको अपनी गाय का रेट बताएंगे, अपने काम के बारे में बताएंगे और गायें चलाकर दिखाएंगे। मंडी डबवाली पंजाब में इनका फार्म है, यहाँ से गायें सप्लाई करते हैं ऑल इंडिया के लिए। ऑल इंडिया के लिए ही आपको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल मिल जाएगी। पूरी जिम्मेवारी के साथ आपकी गायें ऑनलाइन भी डिलीवर कर दी जाएगी, चाहे आप कहीं से भी हो, और अगर आपने यहाँ पर आकर खरीदनी है तो यहाँ पर आकर भी खरीद सकते हो। तो आइए भाई साहब के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार सर जी, क्या हाल है? बढ़िया सर। काम कैसा चल रहा है? काम तो सर बताने की जरूरत नहीं है सर, अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो मेरा 2015 से एक्सपीरियंस है। अभी अच्छा काम करोगे, ईमानदारी से करोगे तो एक लॉन्ग टाइम ही चलेगा। अगर काम झूठ का करोगे, काम एक झूठ पे लेके जाओगे तो वो काम कभी लॉन्ग टाइम नहीं चलता। और मैं दूसरी बात एक नया एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ भी, गुरविंदर डेयरी ने फार्म ने तो कसम खा ली है झूठ का धंधा नहीं करना सर। अपने बिजनेस की कसम खा के फिर बोलता हूँ, आज के बाद, अगर पहले भी नहीं करता था, अगर आज के बाद तो झूठ का धंधा तो गुरविंदर डेयरी फार्म करेगा ही नहीं सर। क्योंकि झूठ बोल के पैसा तो कमाया जा सकता है पर किसी के मन को ठेस लगती है ना सर, खुद को पता भी क्या गाली देते हैं, क्या उसको एक्सपीरियंस करता है। आज फार्म पे कितनी गायें अवेलेबल हैं? सर एनी टाइम हमारे फार्म पे 30 से 40 एनिमल अवेलेबल रहते हैं सर। कस्टमर वेटिंग करते हैं वीडियो की, ये सबसे बड़ा प्राउड ऑफ करता हूँ सर भी, कस्टमर वेटिंग करते हैं वीडियो की, कब गुरविंदर की वीडियो आएगी। मेरे को कॉल आती है स्पेशल, इतनी देर वीडियो लेट क्यों आती है सर? ऐसा नहीं हमारे पास कस्टमर नहीं होते, ऐसा नहीं हमारे पास माल नहीं होता, लेकिन क्या होता है जब वीडियो डाल देते हैं तो कस्टमर और बढ़ जाते हैं, पीछे वाले पेंडिंग बढ़े रहते हैं, फिर जल्दबाजी में किसी को गलत गाय चली जाती है, इसलिए वीडियो हमारी गैप पड़ जाता है, इसलिए गैप डालते हैं सर। आज की जो गायें हैं फार्म पे उनका एवरेज रेट क्या रहेगा सर? मिल्किंग की बात करें और एवरेज रेट की बात करें तो हमारे फार्म का जो एवरेज रेट है सर 60 से स्टार्टिंग होके 120 तक एंडिंग रहता है। आज की जो गाय है सर वो पालनपुर में जा रही है, पालनपुर में जा रही है। और कितनी गायें? 10 एनिमल पालनपुर में जा रहे हैं सर। और मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगा, जो पालनपुर वाले भाई हैं हर साल आते हैं, हर साल, कोई साल ऐसा नहीं है वो कभी नहीं आए, तो हर साल वो अच्छे से अच्छा प्यार दे के जाते हैं सर। और सेल के लिए कितनी गायें? सेल के लिए हमारे पास 30 एनिमल अवेलेबल है सर। ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर भी आए हुए हैं, जैसे गोवा से ऑनलाइन ऑर्डर आया हुआ है सर, ऐसे चल रहा है कंटिन्यू, हर कस्टमर एक लोड महाराष्ट्र को जा रहा है सर, पुणे को, ऐसे ऐसे सर कस्टमर चल रहे हैं सर। तो गायें चलाकर दिखा दी जी। जे गायें कौन से लैक्टेशन में सर? सेकंड लैक्टेशन में 6 टीथ है। पहले तो ब्रीड भाई जिनके पास एनिमल उनको बोलूंगा ब्रीड चेक कर लो। मैं अपनी गाय के बारे में खुद बताना छोड़ दिया, खुद चेक करो सर, खुद चेक करके फिर आप गाय प्रोसेसिंग करो सर। और फर्स्ट ने दिया सर इसने 38 लीटर, अभी दांतों में 60 था सर, 40 से बाब चलेगी। अभी स्वेलिंग डालना, जिसको नलामा बोलते हैं ना, नलामा भी छोड़ना स्टार्ट किया गाय ने, 40 से बाब चलेगी सर गाय। गाय की बॉडी वेट की बात करें तो 10 क्विंटल से ऊपर बॉडी वेट है गाय का सर, और कम्पैक्ट आर्डर लैग स्कोर बॉडी वेट सर बहुत मायने रखता है आज के टाइम में गाय के लिए। तो 45 लीटर का अगर गाय ने मिल्किंग नहीं दिया तो गाय रिप्लेसमेंट है सर। जे गाय सेल की है या सेल के लिए अवेलेबल है सर? और इसका प्राइस की बात करें तो 1,10,000 रुपये सर। गाय का बॉडी वेट देखो भाई, अभी तो रस्सी डाली गाय, मुरी डालने की हलकत मार रही है, जो रस्सा डाला है खुली आई है फॉर्म से, गाय को चलना भी अच्छे से नहीं आता सर अभी तो ऑर्डर में देख लो सर, बिल्कुल कट वाला। और हमारे एनिमल में जान होगी, जान किस चीज़ में होगी? उसके लेग स्कोर में। जान किस चीज़ में होगी? उसके बॉडी वेट में। सर गाय देखो सर कितनी बड़ी गाय है आपके सामने, अगर 45 लीटर नहीं मिल गई तो गाय रिप्लेसमेंट है सर। ऐसी ऐसी गाय 2,000 रुपये ज़्यादा ले लेंगे ना सर, ऐसी गाय पे कस्टमर का मन सेटिस्फाई रहता है। अगर उसके गाय पे जाके मिल्किंग नहीं करेगी तो उसका मन सेटिस्फाई नहीं रहता सर। देखो सर गाय देखो, बोलने वाला लोहे को गोल्ड बोलता है, लेकिन हम गोल्ड को ही गोल्ड बोलते हैं, जो गोल्ड होता है उसको गोल्ड बोलते हैं। वो आपके सामने है सर लैक्टेशन, सेकंड लैक्टेशन सर। दांतों में 60 सर। गाय में ऑर्डर में नस देखो, हम रोक बेटा गाय में ऑर्डर में नस देखो सर, इसको बोलेंगे ब्रीड।
इसको बोलेंगे ब्रीड सर, जो घर पे बिल्कुल सर गाय खुली आती है, कभी मोरी नहीं डाली होती, तो गाय का अंडर ये भी 45 लीटर मिल्किंग करेगी सर। 45 लीटर की क्या गारंटी लोगे सर? एफिडेविट पे लिख के दे देंगे, हमें फार्मर 50 लीटर बोलता है लेकिन हम 45 लीटर बोलते हैं, एफिडेविट पे लिख के दे देंगे सर। गाय देखो सर कितनी बड़ी है, आप अगर किसी कस्टमर ने गाय खरीद के आपके पास छोड़ दी, 45 पे तैयार करके गाय दे दोगे? बिल्कुल सर, खर्चा उसका लग गया तैयार करने के लिए, हम बैठे हैं सर, हम करके देंगे, हमें पता भी कैसे तैयार करेंगे। दूसरी बात, आप खुद हर रोज वीडियो बनाते हो, आप खुद जज करो भी गाय मिल्किंग दे देगी, गाय का बॉडी वेट से पता लग जाता है गाय मिल्किंग दे देगी, गाय के नसों से पता लग जाता है गाय मिल्किंग दे देगी कि नहीं दे देगी सर। ये गाय सेल की है या सेल की है सर? पालनपुर में जा रही है सर। क्या रेट में? सर ये 1,10,000 में दी है। ब्रीडिंग के बारे में बात करूँ तो आपके सामने है सर, हम नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं हमारी गाय बोलती है, सभी कस्टमर इतना प्यार देता है सर, थैंक करता हूँ, इतनी कम उम्र में इतना प्यार देते हैं, और झूठ नहीं बोलेंगे कभी, ये ज़िंदगी में नेम ले लिया सर, झूठ नहीं बोलने और ना ही बोल के झूठ बोल के कभी किसी को, ऐसे आर्डर को कस्टमर बोलेंगे अदर फार्म वाले बोलेंगे 35 लीटर। इलेक्ट्रिशियन? फास्ट इलेक्ट्रिशियन सर। दांतों में टू टीथ सर। दूध क्या रहेगा? दूध सर फर्स्ट में 30 लीटर रहेगा सर, और आप चेक कर सकते हो गाय सर, देखो फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में क्या ब्यूटी क्वालिटी सर, 30 लीटर, और मैं फिर बोलता हूँ गुजरात जा रही है 75 में दिया सर। चैलेंज है कोई ऐसे रेट में आपको एनिमल दे दें, इतने अच्छे अच्छे ब्यूटी फेस वाले एनिमल दे दें आपको, मेरा चैलेंज रहता है ऐसे रेट का भी, अगर आपको ऐसे रेट में कोई अच्छे ब्यूटी फेस, ब्रीडिंग मिल्किंग तो अलग बात है, ब्रीडिंग भी आपको ऐसी परचेजिंग करा दे कोई 75 में, तो मैं फिर बोलता हूँ भी हमारा चैलेंज रहता है, आप पंजाब में आ रहे हो सभी डेयरी फार्म पर जाओ, फिर आप एनिमल परचेजिंग करो, एक डेयरी फार्म से एनिमल मत परचेजिंग करो, अगर एक डेयरी फार्म वाले आपको सकता है रेट के बारे में पता चल जाएगा, उनकी ब्रीडिंग के बारे में पता चल जाएगा, उनका बैकग्राउंड में पता चल जाएगा सर, हाथी जैसी जैसी गाय खड़ी है सर, हाथी जैसी जैसी जिसको बोलते हैं पूरी हाइट और बॉडी वेट लैंग्वेज सर, देखो क्या ब्रीडिंग है, हम एनिमल चेक करके जैसे कोई कपड़ा लेना जाते हैं ना सर, कपड़ा लेने जाते उसको परखते हैं, वैसे एनिमल की चमड़ी पकड़ के परख के लेके फिर आते हैं सर, क्योंकि हमने ये नहीं देखते कस्टमर हो सकता ना आए, हो सकता है हमें रखनी पड़ जाए, तो हम उससे मिल्किंग तो ले लें सके। इस गाय के बारे में बता दीजिए सर, ब्यूटी फेस देखो सर, डायमंड पीस लेके आते हैं, डायमंड जो कि कस्टमर को पसंद आए और आगे वाले को भी अट्रैक्टिव करे, कुछ पंजाब में गया था कुछ लेके आया, आगे वाले को अगर उसने पूछा ही ना तो भी कहाँ से लेके आए, फिर क्या बताएंगे सर, इसके डेज तो पड़े 25 सर। लैक्टेशन सेकंड लैक्टेशन में सर 14 है, अगर इसकी ब्रीडिंग आप चेक कर सकते हो, ब्रीडिंग चेक करके फिर एनिमल परचेजिंग कर सकते हो, पहले ब्रीडिंग चेक करो फिर एनिमल परचेजिंग करो। कितने दिन बाकी हैं सर? इसके 25 डेज बाकी है सर, और देखो सर क्या दूध की गाय रहेगी सर, ये 30 लीटर मिनिमम मिल्किंग देगी, अभी कम्पैक्ट आर्डर तारीख जो लेटेस्ट बुल के आर्डर आते हैं सर, बड़े आर्डर नहीं आते उनके, कम्पैक्ट आर्डर जो कि लेटेस्ट वर्जन का आर्डर आता है वो तारीख सर, इसको बोलते हैं हम लेटेस्ट मॉडल, क्योंकि बड़े आर्डर का जुमाना गया सर, मस्टैडिस ज़्यादा होता है उसको, और मस्टैडिस होने की वजह से गाय को प्रॉब्लम आती है, ऐसे आर्डर को मस्टैडिस भी नहीं होता, फेस क्वालिटी भी सर, मिल्किंग तो देनी देनी है सर, बाकी ये आगे जाके जो बच्चे देगी वो भी 30 लीटर से बब चलेंगे सर, आज जो भी बातें कर रहे हैं सर दिल से कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी आदमी को ऐसे होता है कस्टमर के साथ कुछ शेयर किया जाए, तो आज कोई भी बातें करते हैं सर दिल से करते हैं, कोई भी करते हैं सर, आज भी मन से बातें कर रहे हैं आपके साथ भी, कस्टमर की बात सुनी ना, जब उसने मेरे को आज कॉल आई सुनाई भी मैं लोन लेके आया था मेरे को कैसा फंसाया, तो मैं उनको बोला भी आप चलो फंस गए मैं कुछ हेल्प कर सकूँ आपकी, तो मैं उनको यही बोला भी आपकी हेल्प कर सकूँ तो मैं कर सकता हूँ। सर ये 30 लीटर मिल्किंग करेगी सर, 75 में देंगे सर फिक्स प्राइस सर, और अब देखिए सर बात कमाल सर, स्किन कोड देखिए सर, एक एक फ्यूचर देख लो सर बछड़ी के, ऐसे ऐसे फ्यूचर की गाय सर आपका फार्म एक सक्सेसफुल की तरफ लेके जाएंगे। इस गाय के बारे में बता दीजिए सर, फास्ट इलेक्ट्रिशियन सर, दांतों में बात, टू टीथ सर, टीथ चेक करो, बिल्कुल दो दांत सर, झूठ पे काम नहीं करते सर, झूठ तो आदमी को बर्बाद कर देता है, और मैं इस दौर से गुजर के आया हूँ, झूठ बोलेंगे तो आपके साथ आपके पास से बहुत कुछ खोया जा सकता है, झूठ के बोलने से आपके पास बहुत कुछ खो लोगे आप, अगर सच बोलोगे तो बहुत कुछ पालोगे, मैं ये मानता हूँ अगर सच बोलोगे तो बहुत कुछ पालोगे, झूठ का धंधा करोगे तो बहुत कुछ खोलेगा, वो किसी भी मैटर पे खोया जाए, वो किसी भी मैटर पे खोया जाए पर खोलोगे, देखो सर फास्ट लोकेशन लेटेस्ट बुल और सीमन का डिटेल मिलेगा, बहुत अच्छे फार्म से ये उनका ब्लड लाइन मिलेगा, उनकी फर्स्ट की बछड़ी 25 से 30 के बब रहती है सर, तो क्या दूध करेगी सर ये 25 लेक कह के देता हूँ, फार्मर ने तो मेरे को बोला 30 लेकिन मैं 25 कह के देता हूँ, ताकि आगे जाके सर्वाइव करे, आगे अच्छा मिल्किंग करके सर, देखो लैक स्कोर देखो बा कमाल सर,
हम भी उसी मार्केट से एनिमल लेते हैं जिस मार्केट से अदर वाली चीज करते हैं। हम कोई घर पे बना के नहीं लेके आते हैं इसको, जब इसको प्लास्टिक बनाते हैं। एक्सपीरियंस की बात है सर, क्या रेट मांग रहे हो सर इसका? ये 30 लीटर का रेट मतलब 70 के समथिंग है सर। 5000 रुपया लंपी की वजह से, पहले हमारा 65 रहता था, अभी 70 के लंपी की वजह से 5000 रेट अप हुआ सर। देखना सर, लेटेस्ट जो बोलते हैं ना हम, लेटेस्ट वर्जन लेटेस्ट, ये लेटेस्ट वर्जन है सर, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन जिसको बोलते हैं सर, बिल्कुल घुटनों के ऊपर ऑर्डर, बिल्कुल टाइट वाला ऑर्डर जिसको बोलते हैं, टाइट वाला ऑर्डर, वो ऑर्डर लगा हुआ सर। तो जो किसान भाई पंजाब आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या एक्स्ट्रा सुविधा क्या दोगे? देखो सर, इतनी सुविधा तो हमारे पास सभी है, रहने की, सहने की, खाने पीने की सभी सुविधा है, पर इतनी मेरा वो नहीं है, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ मैं कस्टमर को एक सजेशन दे सकूँ इस काम के लिए। मानूँ तो मैं एक्सपीरियंस की वजह के सजेशन ये देता हूँ इस काम के लिए, मानूँ तो मैं उनको एक्सपीरियंस के लिए ये सजेशन देता हूँ भी, आप पंजाब में आओ, वेलकम है, पर एक परख के जरूर आओ। आपको भी हो सकता है रोना ना पड़े, अगर अच्छा फार्मर चूज कर लोगे तो आपको एक मतलब लॉस की तरफ ना जाना पड़े सर। और झूठ बोल के सर मैं बहुत कुछ पा भी सकता हूँ और बहुत कुछ खो भी सकता हूँ, मैंने देखा अपनी लाइफ में, झूठ बोल के भी देखे हैं सर, सच्चाई के धंधे भी चलाऊँ, पर सच्चाई का धंधा ही पकड़ो, वो आपको एक सच्चाई वाले घोड़े पे बैठोगे ना तो एंड तक ले जाएगा। अगर झूठ वाले घोड़े पे बैठोगे तो आधे रास्ते पे छूट जाओगे, कोई बाजू पकड़ने वाला भी नहीं आएगा तुम्हारी सर। और पैसा नहीं हर चीज़ होती, पैसा तो कमा लेंगे आज है कल नहीं है सर, जब दिल से बातें बोल रहा हूँ, दिल से, कोई ऐसा नहीं है भी किसी के बातें रिपीट कर ली दिमाग से आपको, पर दिल से बातें बोल रहा हूँ, पैसा आज है कल है, पैसा हर चीज़ का मैटर नहीं होता। अच्छे एनिमल ले जो, फार्मर अच्छा चूज़ कर लो, आप एक मिल्किंग के धंधे पे आ रहे हो, मेरे को पता भी मिल्किंग के धंधे पे वो आता है जो सभी कामों से ठेस खा चुका हो, एंड पे मिल्किंग के धंधे पे आता है, लास्ट पॉइंट उसका ये रहता है, तो वो लास्ट पॉइंट ना छूट जाए, अगर लास्ट पॉइंट छूट गया तो उनका सुसाइड करना पड़ सकता है। पर मैं नहीं चाहता किसी की लाइफ खराब हो जहाँ पैसा वेस्ट है, क्योंकि 10 लाख रुपये लगाने में कमाने में आदमी की बहुत मेहनत चली जाती है सर, 10 लाख रुपये इकट्ठा करने में सर पूरा जीवन लग जाता है, कोई लोन लेके आता है, कोई प्रॉपर्टी सेल करके आता है, कोई ब्याज पे पैसा लेके आता है। जब पंजाब में एक उम्मीद लेके आते हैं ना वो कि हम गाय लेके आएंगे, तो जब उम्मीद टूट जाती है तो आदमी का मंदिर से मन टूट जाता है, मन टूट जाता है, मैं कहाँ जाऊँ, उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, भटक जाता आदमी। और उसी रास्ते को अगर सही लैंड पे लेके जाना है तो आप डेयरी फार्म एक अच्छा चूज़ कर लो सर, अच्छा चूज़ करोगे आपको ऐसे ऐसे एनिमल मिलेंगे जो कि आपको शो क्वालिटी वाले एनिमल होंगे सर, किसी भी कॉम्पिटिशन में ले जाओगे ना तो मैं नहीं बोलता भी आपको 10 में 1st आएंगे सर ये। और सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए स्पेशल थैंक्स करता हूँ, हर वीडियो आ रही है सर, हर रोज इतना अच्छा प्यार दे रहे हो और वेटिंग करते हो वीडियो का, मान करता हूँ सर इस बात का भी, प्राउड करता हूँ भी, इतना प्यार कस्टमर का बाग खूब मिल रहा है सर, धन्यवाद, थैंक यू।